पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। शुक्रवार को सागर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोविड प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में ग्रुप क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें 5 जून की सुबह 6 बजे से सागर को खोलने की सहमति बनी है। अब से चंद घंटों के बाद ही सागर अनलॉक हो जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि बैठक में 50% दुकानें खोलने का निर्णय हुआ है। इसके लिए एक दिन राइट साइड और एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। एक हफ्ते तक ये प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान कोरोना का संक्रमण नियंत्रित रहा तो फिर पूरी दुकानें खोल दी जाएंगी। दूध डेयरी, फल सब्जी की दुकानें, मेडिकल, कृषि दुकानें रोज खुल सकती हैं। वहीं इस दौरान धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जैसे किसी भी बड़े आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक जगह पर 6 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ है, कोरोना का संक्रमण नहीं, इसलिए इसकी गाइडलाइन का पालन करें ताकि संक्रमण ना बढ़ पाए। सागर में आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख के प्रातः 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू समाप्त किया जाएगा। इसमें काफ़ी छूट दी गई हैं और इसके साथ ही बहुत सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, बाजार खुल जाएंगे, फल सब्जी दूध इत्यादि के जो भी शॉपकीपर हैं वो अपनी दुकानें खोल सकेंगे। कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, जैसे कि कोई भी बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बड़े नहीं हो सकेंगे, एक साथ 6 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, ये सब प्रतिबंध भी रहेंगे। और चूंकि इसमें निर्णय ये लिया गया था कि बाज़ार 50% ही खुलेगा, तो प्रारंभिक तौर पर ये सहमति सभी जगह बनी है कि एक दिन राइट साइड की शॉप्स खुलेंगी और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की शॉप्स खुलेंगी। एक सप्ताह तक ये प्रयोग जारी रहेगा। अगर संक्रमण दर नियंत्रित रहती है तो एक सप्ताह बाद फिर पूरे बाजार को खोलने पर विचार किया जा सकेगा। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो पूरे समय खुल सकेंगी। इसके साथ ही जो कृषि संबंधी खाद, बीज, कृषि उपकरण संबंधी दुकानें हैं वो पूरे समय खुल सकेंगी। आवश्यक जो वस्तुओं की शॉप्स हैं, जैसे मेडिकल शॉप इत्यादि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पीडीएस शॉप, वो पूरे समय खुल सकेंगी। मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना कर्फ्यू समाप्त हुआ है लेकिन कोरोना का संक्रमण अभी भी है। यद्यपि विगत 7 दिनों में सिर्फ 1% ही पॉजिटिविटी आई है, लेकिन फिर भी अभी कोरोना संक्रमण के लोग हमें मिल रहे हैं। हम उन्हें कोविड केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में भर्ती करा के उनके उपचार की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें आप और हमारा व्यवहार ऐसा हो ताकि हम संक्रमण से बचे रहें। धन्यवाद। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।